दोस्तों आइए आज चर्चा करते हैं तीन बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहला जो बात करेंगे वो है कि अपार्टमेंट हाउसेस यानी बिल्डिंग्स के बारे में बात करूंगा, दूसरा है कि लैंड्स यानी ज़मीन के बारे में बात करूंगा, और तीसरा जो है यानी लिक्विड मनी। आप लिक्विड मनी को कहाँ पर इन्वेस्ट करके भी आप बहुत अर्निंग कर सकते हो। तो तीनों इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा और तीनों मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में बताऊंगा आपका जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है। तो वीडियो मोस्टली इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत बेहतर जानकारी मिलेगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड मनी की, यानी पैसे जो आपके पास अगर छोटा छोटा रकम भी हो, यानी आपका सैलरी बहुत कम है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटे लेवल से, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप स्टेप स्मॉल और विजन हाई, यानी छोटा छोटा लेवल आप क्रॉस करिए और सोच जो है वो हाई लेवल पर रखिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो पहले छोटे छोटे लेवल पे उठ के मैं यहाँ पर पहुँचूँगा या उससे बड़े लेवल पे जाने की ट्राई करूँगा। क्योंकि एक महान व्यक्ति ने बताया है कि हम कितना ऊपर उठ सकते हैं हमें पता नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा स्मॉल स्टेप मतलब स्टार्ट स्मॉल विजन हाई, इस दोनों चीज़ों को आपको फॉलो करना है अपने लाइफ में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं छोटे लेवल पे, यानी लिक्विड मनी की बात करते हैं। मान लीजिए आपका सैलरी बहुत कम है, आपका इनकम कम है, उसमें से आपको बस थोड़े ही रकम बचता है। आप सोचते हैं कि कार्तिक भाई मेरा तो थोड़ा ही पैसा बचता है तो मैं कहाँ से इन्वेस्ट कर पाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन क्या है, आप RD में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। FD तो नहीं हो सकता, क्योंकि FD एक फिक्स अमाउंट होता है, आपको एक मोटा रकम दिया जाता है। आप जिस जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, जिस जगह पर भी आप एक साथ फिक्स डिपॉजिट करेंगे और मिनिमम टाइम पीरियड तक आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा जब चाहे निकाल सकते हैं। ऑप्शन बताता हूँ, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली 100 रुपये से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, केवल 100 रुपये में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है। आप एक बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा कर सकते हैं, आपका जो विजन है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। तो आप स्टार्ट स्मॉल यानी 100 रुपये से भी शुरू करके आप अपना जो वेल्थ का जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अगर आपका इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जैसा पैसा बचता है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो मैंने बना के रखे हैं, मनी मेकिंग प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगा। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटे लेवल पे। आप बोलते हैं आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाए कंपनी के बारे में, कंपनी फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी बैलेंस शीट पढ़ना आता है, या आप नॉर्मल मेथड आप अगर यूज़ करेंगे यानी सिंपल, आप अगर लार्ज कैप जो ब्लू चिप स्टॉक होता है उसमें भी आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा खासा अपने जो पैसे हैं उसको ग्रो कर सकते हैं और आपको एक स्टेबल वेल्थी आप बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपार्टमेंट की, यानी बिल्डिंग्स के बारे में। आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक मिनिमम अमाउंट लगा के बिल्डिंग बना दूंगा और महीना मुझे रेंटली इनकम आते रहेगा। ये बहुत ही अच्छा सोच है और बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं कि क्या मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा क्या। थोड़ा सा बड़ा अमाउंट आपको लगाना है और तभी आपको मंथली रेंटल इनकम मिल सकता है। लेकिन क्या मैंने जो लिक्विड मनी है उसका जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी बताया था, उसका जो ग्रोथ के बारे में बताया था कि फ्यूचर में वो बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, फिलहाल करंट में उसमें कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन वो फ्यूचर में बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो अपार्टमेंट हाउस है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो आपको रेंटल इनकम पहले महीने से ही आते रहेगा, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाया है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया लगा के एक बिल्डिंग बनाया, छोटा सा 2 माले का बिल्डिंग बनाया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस हिसाब से दूसरे महीने से ही आपको रेंटल इनकम आते रहेगा। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा सेटिंग कर लिया और आपका जो बिल्डिंग्स है पूरा रेंट में, आपको आप पूरा रेंट में चढ़ा दिया, तो आपको उसमें क्या हो गया, आपको रेंटल इनकम आते रहेगा। लेकिन क्या वो फ्यूचर में वो जो बिल्डिंग्स है, वो जो अपार्टमेंट है, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ सकता है क्या, मतलब 20 साल बाद उसका क्या वैल्यू रहेगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए 20 साल बाद उसका क्या वैल्यू रह सकता है। मैं अपने सोच के हिसाब से बताता हूँ। देखिए, मनी में यानी जैसा लिक्विड मनी में जितना ग्रोथ हो सकता है 20 साल बाद, यहाँ पर उतना ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले रेंटल इनकम मिल रहा है,
ठीक है। लेकिन मान लीजिए आज आपने 10 लाख रुपए लगा के एक बिल्डिंग बनाया है, तो 20 साल बाद हो सकता है उसका जो मतलब आप अगर सही तरह से मेंटेन करके रखेंगे तो उसका जो वैल्यू है 15 से 20 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है, यानी डबल होगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विड मनी में जितना ग्रोथ होगा उतना ग्रोथ नहीं होगा अपार्टमेंट हाउस में। तो इसलिए आपको, आप अगर चाहते हैं कि मुझे रेंटल इनकम मिलता रहे, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपका एज ज़्यादा हो गया और आप एक जगह पर मतलब इन्वेस्ट कर दिए, एक बिल्डिंग बना दिया, तो उसमें आपका जो खर्चा है वो किराए के खर्चे से ही आपका पूरा जो मतलब जो संसार का जो खर्चा है, मतलब आपका जो घर का खर्चा, राशन पानी जो खर्चा होता है वो आपका निकल रहा है, तो ये बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन 20 साल में उतना ज़्यादा ग्रोथ मुझे नहीं दिखता है कि इसमें उतना ज़्यादा होएगा। तो अब तीसरा चीज़ के बारे में बात करते हैं, यह है कि लैंड, ज़मीन के बारे में। ज़मीन के बारे में सुन के काफ़ी लोग बोलेंगे, कार्तिक भाई ज़मीन के बारे में, ज़मीन तो बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, मतलब इससे तो मतलब 15-20 लाख के नीचे कुछ मतलब मिल नहीं सकता। कौन कहता है, ज़मीन के बारे में बताता हूँ। देखिए, ज़मीन हो अपार्टमेंट हो, दोनों चीज़ में एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कि लैंडमार्क, यानी आप कहाँ पर, किस जगह पर से एरिया, किस एरिया पर आप जगह खरीद रहे हो। ऐसा ना हो कि आपका जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, उससे अगर नज़दीक होगा तो आप चाहे अपार्टमेंट हाउस की बात करें या लैंड की बात करें तो उसका जो वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ने वाला है, ठीक है। तो लेकिन आप अगर ऐसे जगह पर लैंड खरीद रहे हो, ऐसा जगह पर ज़मीन खरीद रहे हो, उसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा लेकिन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आपको हमेशा जो लैंडमार्क है, मतलब जो लोकेलिटी है, जो प्लेसमेंट है, उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो जगह है, जिस जगह पर मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, इस जगह पर मुझे फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, अच्छा दाम मिल सकता है, तो ऐसे जगह पर ज़मीन खरीदिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कार्तिक भाई हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है। एक आपके लिए, आपके जानकारी के लिए एक चीज़ बताता हूँ, आप रिच डैड पुअर डैड किताब आप अगर पढ़े हो तो उसका ऑथर क्या कहा था, उन्होंने कहा था, रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने कहा था कि मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में था। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वो क्या करते थे, छोटा अपार्टमेंट हाउस खरीदते थे, फिर उसको सेल करने के बारे में सोचते थे, रेंट में चढ़ा देते थे और उसको ज़्यादा रेट में, ज़्यादा कैश में सेल करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसको ज़्यादा कैश में सेल करके फिर से एक बड़ा जो अपार्टमेंट हाउस है उसको खरीदने के बारे में सोचते थे, ठीक है। जहाँ तक रिच डैड पुअर डैड किताब को पढ़ के मैंने समझा है, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। आप वही मेथड आप लैंड के बारे में कर सकते हैं, अपार्टमेंट हाउस के बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लैंड के बारे में ये फंडामेंटल्स काम कर सकता है आपके लिए, ये आइडिया काम कर सकता है। कैसे करेंगे, आप एक छोटा सा, मान लीजिए बहुत ही छोटा टुकड़ा, यानी 1 लाख रुपये में आप एक छोटा सा टुकड़ा खरीदिए, खरीदने के बाद उसको बेचने की सोचिए, क्या लगता है आपको ये सही रास्ता है क्या? नहीं, ये सही रास्ता नहीं है, थोड़ा सा इसको घुमा लेना है, मॉडिफाई कर लेना है। कैसे, पहले जिस ज़मीन के बारे में बात चल रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज़मीन को मुझे बेचना है फ्यूचर में या आगे बेचना है, तो आप सबसे पहले उनसे बात करते करते सेलर भी ढूंढिए। आपको 1 लाख रुपये में अगर मिल रहा है ज़मीन, 1.5 लाख रुपये में आप अगर किसी को बेच सकते हो, तो ऐसा लोगों को साथ साथ ढूंढते रहिए। मतलब आप इधर से बाय करेंगे और कुछ ही दिनों के बाद उधर सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये जो बाय कुछ ही दिनों के बाद, या मतलब 1 महीना 2 महीना जैसा आप ठीक समझते हैं, उस हिसाब से ध्यान में सब कुछ सोच के उसको सेल कर दीजिए। तो क्या होगा, आपने यहाँ पर 1 से ख़रीदा और 1.5 में बेच दिया, तो उस तरह से आप जो 1.5 लाख रुपया है उससे आप फिर से एक नया लैंड खरीद लीजिए। इसको आप लैंड के बारे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर से आपको काफ़ी अच्छा कमाई हो सकता है। और आप अगर कहेंगे कि नहीं कार्तिक भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो बहुत एक बड़ा अमाउंट लगा दूंगा और उसको खरीद के रख लूँगा, तो ये भी एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है। आज अगर किसी भी लैंड को खरीद के रख देंगे तो 10 साल बाद 15 साल बाद उसका जो मतलब वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। फिर भी एक बार मैं कहूँगा, जिस जगह पर आप खरीद रहे हो वहाँ पर एरिया लोकेशन आपको देख के खरीदना है, कहीं ऐसा जगह पर नहीं हो कि बहुत ही बेकार जगह है, उस जगह पर कोई जाता नहीं है, फिर तो आप फंसने वाले हो। तो उस हिसाब से आपको हमेशा लैंड के बारे में सोचना है, तो बढ़िया जगह चूज़ कीजिए कि हाँ ये जो जगह है इसके बहुत वैल्यू है और इसको सभी लोग खरीदने के लिए पूरा तैयार बैठा है। तो उसी जगह पर आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगे चलेगा, लेकिन वो जगह खरीदिए जिस जगह पर मतलब लोग लेने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तीनों का इन्वेस्टमेंट आपने सुन लिया। अब मैंने आपको बताया था कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही रहेगा, तो
आपको वीडियो तीनों जो ऑप्शन बताया मैंने, तीनों के आपके लिए जो बेटर रहेगा वो है कि अगर आपका इनकम महीने पर, आपका अगर इनकम एक महीने पर 10,000 से 20,000 रुपया है तो आपके लिए लिक्विड मनी इन्वेस्टमेंट सेफ ऑप्शन है और बढ़िया ऑप्शन है। दूसरा है कि आप अगर 20,000 से 10,00,000 तक आपको अगर इनकम है मंथली, तो आपके लिए अपार्टमेंट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, या लैंड भी बेस्ट ऑप्शन है। और आपको उससे भी ज़्यादा इनकम है तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं सर, तो आपके लिए कोई भी मतलब टेंशन नहीं है, आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस हिसाब से सबसे लिए मैं उन भाइयों के लिए कहना चाहूँगा कि जिनका इनकम स्मॉल है और वो सोचते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा दिन मेहनत करूँगा नहीं, आगे फ्यूचर में जाके मैं थोड़ा सा आराम करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इतना जी तोड़ करके मेहनत कर रहा हूँ, अगर फ्यूचर में भी ऐसा करना पड़े तो ज़िंदगी पूरा झंड हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए आपको तो ज़िंदगी पूरा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हमेशा आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो आपके लिए लिक्विड मनी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।